Hello, my dear friends. Very good morning, good afternoon, good evening. Aseem Bhardwaj. I welcome you to my YouTube channel, The Warning Man Abroad. तो जाहिर सी बात है, ये वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आपको पता लग गया है कि फिलीपींस के बारे में वीडियो है. यस, तो फिलीपींस फाइनली इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए खुलने जा रहा है. ओके, फरवरी 10 की ऑफिशियल डेट है. वैसे फरवरी 1 की है, लेकिन 10 तारीख से शायद एंट्रेंस वगैरह मिल जाएगी. जितने भी लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं और वीज़ा फ्री कंट्रीज से हैं, तो इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करता हूँ. लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले उन्हें समझना ज़रूरी है यहाँ पे. तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि फुली वैक्सीनेटेड होना आपका ज़रूरी है. आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, RT-PCR रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, जिसकी वैलिडिटी 48 आवर्स के बीच की होनी चाहिए. ओके, किसी भी किस्म का आपको होटल बुक नहीं करना है क्वारंटीन के लिए फिलीपींस के अंदर. किसी भी किस्म की एडिशनल टेस्टिंग आपको, RT-PCR टेस्टिंग बुक नहीं करनी है फिलीपींस के केस के अंदर, जितने भी लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं. हाँ, पर जो पार्शली वैक्सीनेटेड है या वैक्सीनेटेड नहीं है, उनके लिए अभी भी 5 दिनों के लिए क्वारंटीन है. ऑन अराइवल उनको एक तो RT-PCR रिपोर्ट अपनी लेके आनी है अपनी कंट्री से, ठीक है. उसके बाद 5 दिन का स्ट्रेट क्वारंटीन है. इसके अंदर 5वें दिन उनका स्वाब टेस्ट होगा, और 5वें दिन के बाद रिमेनिंग जितने भी दिन हैं वो भी उन्हें क्वारंटीन में बिताने, लेकिन घर में वो बिता सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है. तो टोटल उनके लिए 14 दिन का क्वारंटीन अभी भी बनता है. लेकिन फुली वैक्सीनेटेड के लिए कुछ भी अब ऐसा अनोखा नहीं है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा. पीपल कैन ट्रैवल एज दे यूज टू. ओके, दे कैन एंटर फिलीपींस नाउ स्मूथली. अब यहाँ पे सवाल आता है सबसे बड़ा, कि क्या इंडिया को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया. वेल एनीवेज, क्यों नहीं किया ये गवर्नमेंट के मैटर्स हैं. उन्होंने अभी क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्रेजुअली वो खोल रहे हैं. तो अभी उन्होंने वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के लिए खोला है, और बाकी वो अब और कंट्रीज़ के लिए भी बहुत जल्दी खोलने जा रहे हैं. तो मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ कि वो डेट क्या है. हालांकि वो ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं, अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड कब है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, वो भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ. लेकिन उससे पहले कलर कोडिंग की बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोज़ फॉलो करते रहे फिलीपींस के ऊपर, तो मैंने कलर कोडिंग को बहुत अहमियत दी उसके अंदर. क्योंकि जैसे थाईलैंड के केस में ब्लू जोन है, येलो जोन है, एम्बर जोन है, ऐसे ही फिलीपींस के केस में क्लासिफिकेशन की उन्होंने कंट्रीज़ की बेस्ड ऑन द रिस्क. तो उनकी कलर कोडिंग की है, जैसे कि इंडिया ग्रीन लिस्ट में आता था कल तक, इस अपडेट से पहले कल तक इंडिया ग्रीन लिस्ट में आता था फिलीपींस की. लेकिन अभी इन्होंने, जब से ये न्यूज़ अनाउंस की है, इन्होंने जितनी भी क्लासिफिकेशन थी, कलर कोडिंग थी कंट्रीज़ की, उन सबको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, स्क्रैप कर दिया. ओके, तो ये रीज़न है कि अभी इंडिया का नाम टेम्पररली नहीं है उसके अंदर. इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश का नाम अभी नहीं है. तो फिर कब है? ओके, तो मैं आपको बताने लगा हूँ ऑफिशियल डेट. जो नेक्स्ट अपडेट आने लगा है वो है फरवरी 16 के आसपास. फरवरी 16 को एक और अनाउंसमेंट होगी, जो इनका साइकिल है, ठीक है. ये लोग क्या करते हैं कि अगर आज इन्होंने चेंजेस किए हैं, 15 दिनों के लिए वो चेंजेस को रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और 15 दिन के बाद फिर चेंजेस कर देते हैं. और इन्होंने यही किया अभी तक, जितने भी लिस्ट हैं इनकी, एम्बर, उसके अंदर ये रिविजन्स ही करते गए हर 15 दिन के बाद, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनसर्टेंटी बनी हुई थी ट्रैवलर्स के लिए. लेकिन अब ये एक बहुत ही अच्छा स्मूथ मूव लिया है इन्होंने, सभी कंट्रीज़ के लिए खोल के. जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, 157 कंट्रीज़ हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया का नाम नहीं है. लेकिन फरवरी 16 का जो अपडेट आने वाला है वो बहुत ही अहम अपडेट है, बहुत क्रूशियल अपडेट है सबके लिए, और उसमें इंडिया के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं होने के. ओके, तो हमें फरवरी 16 तक सिर्फ वेट करना है. अभी जो लोग वीज़ा फ्री कंट्री से ट्रैवल करेंगे अपनी कंट्री से, उनको ऑब्वियसली कोई वीज़ा नहीं चाहिए. जब वो पहुँचेंगे तो ऑन अराइवल उनकी स्टैम्प भी की जाएगी, तो मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो ऑन अराइवल वीज़ा है. पर हमारे केस के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेट्स वेट टिल फरवरी 16th, ठीक है. क्योंकि फरवरी 16th को इनका एक और अपडेट आना है, 10 तारीख के बाद 16 तारीख को अपडेट आना है. ओके, इससे ज़्यादा मैं और आपको क्या बताऊं अभी. तो ये सिचुएशन बनी हुई है, विच इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी खर्चा लोगों का यहाँ पे PCR टेस्टिंग का और होटल्स का, क्वारंटीन्स का बच जाएगा यहाँ पे. फिर एक और खुशखबरी यहाँ पे ये भी है कि फ्लाइट्स के ऊपर भी कोई कैपिंग नहीं है. जो भी कंट्रीज़ से लोग, फुली वैक्सीनेटेड लोग ट्रैवल करेंगे, एंटर करेंगे फिलीपींस में, उनके लिए फ़्लाइट पे कोई कैपिंग नहीं है. मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स होने के चांसेस हैं, इनबाउंड फ्लाइट्स होने के चांसेस हैं फिलीपींस में.
ओके, और विद दैट रिजल्ट क्या होगा कि टिकट्स की प्राइस भी गिर जाएंगी। एनीवेज गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें यार, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। आई सी यू वंस अगेन। बाय-बाय।